तो अगर आप लोगों के कंफ्यूजन की आपको मीट एन आई लेना चाहिए या फिर आपको मोटो की तरफ से 5G फोन लेना चाहिए, मोटो G5G, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से, क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उस हिसाब से वैसे ना मैं आपका सस्पेंस खराब कर दूँ यहीं पे। अगर आपका बजट है ना, मतलब अगर आपका बजट है 22-21 हज़ार के आसपास का, देन आप लोग आंख बंद करके Xiaomi Mi 10i की तरफ चले जाओ, क्योंकि Moto G5G के अंदर ऐसा कोई भी ना मतलब मेजर वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा रीजन जिस वजह से आपको फोन परचेज करना चाहिए स्टॉक एंड्रॉइड के अलावा, क्योंकि जो सबसे हाईलाइटिंग चीज है उस फोन की वो है स्टॉक एंड्रॉइड। बाकी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट सभी एक्सपेक्ट के अंदर अपना Xiaomi Mi 10i आगे निकल जाता है। तो अगर आपको समरी जाननी थी तो ये समरी है, बट अगर आप लोग को आगे डिटेल में कंपेरिजन देखना है तो आप लोग आगे देख सकते हो। तो हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है केशव। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Xiaomi Mi 10i वर्सेस Moto G5G का, एंड बताने हूं कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट 5G फोन रहने वाला है। वैसे दोनों ही फोन आपको चाइनीज फोन मिलते हैं, दोनों ही आपको 5G फोन भी मिल जाता है। अगर आपको इस प्राइस के अंदर कोई नॉन चाइनीज फोन चाहिए, देन आप लोग जा सकते हो सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M51 की तरफ। बट हाँ, वो एक 5G फोन नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी बात है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते अपने Mi 10i के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोग को 6.67 इंच का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है वो आपको ग्लास की बैक मिलती है, एंड बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिलते हैं दिखने में, एंड मतलब काफी प्रीमियम फोन है। इन हैंड फील तो आपको काफी तगड़ी मिल जाती है, एंड इसका जो कलर वगैरह की बात की जाए, जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको शो कर रहा हूं, वो काफी तगड़ा कलर मुझे पर्सनली लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दोनों फोन शो करता हूं बैक साइड से, आपको दोनों से तगड़ा फोन कौन सा लगा दिखने में। वही चलते अपने Moto G5G के डिस्प्ले एंड डिजाइन की तरफ। तो इधर आप लोग को 6.7 इंच का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलता है, इधर आपको स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी कि इधर आपको 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। बाकी इधर आपको जो बैक मिलता है प्लास्टिक की मिलता है, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं, एंड बैक साइड के अंदर ही आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। दिखने में ये फोन मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, बाकी आप लोगों का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। तो अगर डिस्प्ले एंड डिजाइन की बात करें तो मेरे को Moto G5G कह रहा था, Xiaomi Mi 10i काफी तगड़ा लगा है डिस्प्ले एंड डिजाइन के मामले में। तो वहीं चलते कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते अपने Mi 10i के साथ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं, जो आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है, जो आपको सैमसंग का HM2 वाला मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, EIS वगैरह मिल जाता है। बाकी जैसे सेल्फी की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, एंड इधर आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वही चलते अपने Moto G5G के कैमरा की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल जो आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर मिल जाता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। यहां पर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड बात की जाए सेल्फी की तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर, दोनों फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, दोनों फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है, 8nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रेनो का 610 का आपको GPU मिल जाता है। वैसे अगर आप लोग को इस प्राइस के अंदर कोई गेमिंग फोन चाहिए, देन आप लोग Redmi K20 Pro की तरफ जा सकते हो, या फिर आप लोग Realme X3 की तरफ जा सकते हो। अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो Realme की 8 सीरीज का, एंड Realme की X7 सीरीज का आप लोग वेट कर सकते हो। Narzo 30 Pro वगैरह भी ऐसी आपको कोई बढ़िया फोन मिलने वाले हैं, तो आप लोग उन फोन का वेट कर सकते हो, देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस पे। तो अगर आप 1-2 महीने का वेट करते हो जेन्युइन फैब का, देन आप लोग को काफी तगड़े फोन मिलने वाले हैं। ये फोन भी तगड़े हैं, बट इनसे भी तगड़े आपको थोड़े से और फोन मिल जाएंगे अगर आप लोग कुछ टाइम का वेट कर लो। तो वही चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते हैं अपने Mi 10i के साथ। तो इधर आप लोगों को 4820mAh की बैटरी मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं चलते अपने Moto G5G की तरफ। तो इधर आप लोग को 5000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड 20W का ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो बात कीजिए अपनी डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो अपना Mi 10i आगे निकल जाता है, कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी अपना Mi 10i आगे निकल जाता है, प्रोसेसर दोनों के अंदर आपको सेम मिलता है। बट आपको पता होगा कि Mi 10i के अंदर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है Moto के फोन के अंदर, बट आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है Xiaomi के फोन के साथ, एंड उधर आपको थोड़ी सी ही कम बैटरी मिलती है, मतलब कि कुछ 180mAh ही कम मिलती है, तो वो कुछ इतना मेजर इशू नहीं है, बट आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की हो जाती है। तो बैटरी डिपार्टमेंट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपना Mi 10i आगे निकल जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं Xiaomi Mi 10i के कुछ एक्सपीरियंस फीचर्स। आपको 3.5mm का जैक मिल
जाता है, Android 10 मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, वाइडवेल L1 का सपोर्ट मिल जाता है, कैमरा 2 MP वगैरह मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, एंड इधर आपको जो डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, एंड इधर आपको मल्टीपल बैंड मिल जाते हैं, यानी कि दो बैंड इधर आपको मिल जाते हैं 5G के। वहीं बात करते हैं अपने मोटो जी 5G के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, NFC मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, कैमरा 2 MP मिल जाता है, इधर आपकी जो डिस्प्ले सपोर्ट करती है HDR 10 के कंटेंट को करती है, वाइडवेल L1 मिल जाता है, एंड इधर आपको IP52 की रेटिंग मिल जाती है। तो वहीं बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपना जो मीट है उसके अंदर आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है 6GB रैम 64GB की रोम का, उसका प्राइस आपको 21,000 का मिलता है। बट ट्विस्ट की बात यह है कि ये वाला वेरिएंट अभी कमिंग सून के अंदर है, अगर आप लोग इस वीडियो को बाद में देखोगे जब ये मतलब अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम अगर आप देखोगे तब भी इस वाले वेरिएंट को परचेज मत करना, क्योंकि भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट के हिसाब से स्टोरेज कम लगने वाला है 64GB का। आप लोग इसके 6GB या 128GB की रोम वाले वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 22,000 का मिलता है, एंड 128GB ज्यादा लोगों के लिए सफिशियंट स्टोरेज होता है। तो अगर आप लोग के पास ICICI का कार्ड है देन आप लोग को 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा Xiaomi Mi 10i के ऊपर, एंड अगर आप लोगों के पास HDFC का कार्ड है देन आप लोगों को 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा Moto G5G के ऊपर। तो आपको Moto G5G 20,000 का मिल जाएगा, एंड अपना Mi 10i भी आपको 20,000 का मिल जाएगा, अगर आप लोग इसके 6GB की रैम 128GB की रोम वाला वेरिएंट परचेज करते हो कार्ड के थ्रू। वैसे अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, एंड सोशल मीडिया Instagram भी फॉलो कर लो। तो बिना आप लोगों को स्पेसिफिकेशन वगैरह तो सब कुछ पता चल गया, बट स्टिल आप लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई मेरे को कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो आप लोगों को मीट एंड आई की तरफ चले जाना चाहिए, अगर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो अगर आपको एड्स वगैरह से कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है देन आप लोग मीट एंड आई की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। बट अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, हमने ऐसे गहराई में घुस के पता लगाया कि आपको मोटो G5G के अंदर और कौन से प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो इधर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, उसी के साथ इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, उसी के साथ इधर आपको मल्टीपल बैंड्स मिल जाते हैं 5G के, इधर आपको NFC मिल जाता है, एंड इधर आपको 128GB की रोम मिल जाती है 21,000 के प्राइस पे। वही बात की जब अपने मीट एंड आई की, तो मीट एंड आई के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर की बात कर सकते हो, 128Hz का रिफ्रेश रेट कह सकते हो, प्रीमियम डिजाइन, प्रीमियम लुक, इन हैंड फील काफी तगड़ी कह सकते हो, चाहे आप लोग बात 108MP के कैमरे की कर लो, 33W की फास्ट चार्जिंग की कर लो, HDR 10 प्लस की डिस्प्ले सपोर्ट की बात कर लो, एंड स्टीरियो स्पीकर तो मैंने आपको बताया दिए, और क्या रह गया देखता हूँ, एंड UFS 2.2 का अगर आपको स्टोरेज टाइप चाहिए, एंड अगर आप लोग को IR ब्लास्टर वगैरह चाहिए देन आप लोग मीट एंड आई की तरफ जा सकते हो। मैं होता तो मैं इन दोनों फोन में से मीट एंड आई को चूज करता, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड मुझे पसंद है, बट हाँ इतने अच्छे पैकेज के सामने नहीं, थोड़ी सी एड्स वगैरह से मैं काम चला लूंगा, बट एंड अगर आप लोगों की प्रायोरिटी स्टॉक एंड्रॉइड है, एंड अगर आप लोग मोटो के फैन वगैरह हो देन आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो, अगर आपको NFC वगैरह ज़्यादा चाहिए देन आप लोग मोटो के फोन की तरफ जा सकते हो, वरना अगर आप बाकी के सभी एक्सपेक्ट के अंदर देखते हो तो अपना मीट एंड आई आगे निकल जाता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको दोनों में से तगड़ा फोन कौन सा लगा, आप लोग कौन सा परचेज करने का सोच रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए।